तरह से बिछा दिया है ना? हाँ कन्हैया, पूरी तरह से। जाओ शीघ्र, सब चुप जाओ। नहीं, थोड़ा आनंद गोपियों को दूंगा और थोड़ा आनंद मैं और मेरे मित्र बांट लेंगे। नारायण नारायण, भगवान कितनी बड़ी बात कह गए बालकृष्ण। आनंद देना भी है और मिलने वाले आनंद को बांट कर लेना भी है। देवर्षि, सबको आनंद देने के लिए ही तो नंदलाला का अवतार हुआ है। नारायण नारायण। देखो तो कैसे खड़ा है मेरा कान्हा। तुम्हारा कब से हुआ कान्हा? जब मेरा व्रत सफल होगा तो कान्हा मेरा ही होगा ना? तो फिर क्या हमारा व्रत सफल नहीं होगा? सबसे बात भी नहीं करता तो फिर चिढ़ाऊंगा क्यों? परंतु हम तुमसे बात करती है ना? मुझे कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा। कान्हा, तुम्हें हमसे नहीं बोलना है तो मत बोलो। हमारी बातें नहीं सुननी है तो मत सुनो। परंतु एक बात ध्यान में रखो। जैसे ही हमारा व्रत सफल होगा तुम हमारे हो जाओगे। Thank you.
देखा आपने, ये चूहे से डरती है। पानी में चूहा आया तो ये क्या करेंगी? ये सब चीखेंगी, चिल्लाएंगी, बचाओ बचाओ। तो फिर व्रत कैसे सफल होगा? यदि पानी में चूहा आया तो ये क्या करेंगी? हाय राम, ये तो मिट्टी का है। इसका मतलब कान्हा ने हमें उल्लू बनाया। कान्हा! नारायण नारायण, प्रभु कृष्ण ने साक्षात्कार कराया है कि वो नारी का मित्र है, उनका सखा है। देवर्षि, इसीलिए तो कृष्ण ने गोपियों को गुरु उपदेश दिया है। यदि व्रत को सफल करना है तो अविचल होना चाहिए, निर्भय होना चाहिए, संपूर्ण समर्पण करना चाहिए। व्रत करना तपस्या करने की तरह है। व्रत और तपस्या के समय निर्मोही का ध्यान लगाकर अपने आप को किसी भी मोह से दूर रखना है। किसने कहा था तुम्हें कारागृह में जाने के लिए? किसने कहा था तुम्हें उस देव की और वसुदेव को सांत्वना देने के लिए? किसने? वो मेरे संबंधी है महाराज। किसने? वो मथुरा के बंदी है, हमारे बंदी। बंदी होने से संबंध बदल तो नहीं जाते ना महाराज? कृष्ण, तुम्हारी बातों में हमें विद्रोह की गंध आ रही है। विद्रोह आपसे? ये मत भूलो कृष्ण कि तुम्हारा और मेरा संबंध प्रत्येक संबंध से बढ़कर है। पति हूं मैं तुम्हारा, इसीलिए महाराज समझाने का प्रयत्न कर रही हूँ। महाराज, मुझे समझाने की कोई आवश्यकता नहीं है कृष्ण, बल्कि मुझे समझने की आवश्यकता है तुम्हें। ना आप विचार करते हैं और ना ही आप दूसरों के विचार अपने मन में आने देते हैं, ना दूसरों की भावनाओं का सम्मान करते हैं और ना ही विवेक से काम लेते हैं। हमेशा हमेशा बस एक ही धुन आपको सवार रहती है, अमर अमर अमर। महाराज, आप एक बात भूल रहे हैं कि अमर होने के लिए बहुत सारे लोगों के आशीर्वाद और शुभेच्छा की आवश्यकता होती है, शाप की नहीं। आपके दुर्व्यवहार के कारण नहीं आपको कोई आशीर्वाद दे रहा होगा और न ही शुभेच्छा, यहाँ तक कि आपकी बहन देवकी और बहनोई भी, आपके पिताजी भी आपको आशीर्वाद नहीं दे रहे होंगे महाराज। फिर आप कैसे अमर हो सकते हैं महाराज? कृष्ण, तुम हमारी पत्नी होकर हमारे ही मृत्यु चाहती हो? महाराज, मैं सदैव आपकी दीर्घायु की प्रार्थना करती हूँ। प्रार्थना?
किससे? उस विष्णु से, हमारे शत्रु से। परमेश्वर किसी का शत्रु नहीं होता महाराज। आप अपने मन से ऐसे विचारों को त्याग दीजिए, फिर नहीं आपको कोई भ्रम होगा और नहीं कोई दुस्वप्न आएगा और आपका मानसिक स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा महाराज। हमारा मानसिक स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक, परंतु तुम्हारा मानसिक स्वास्थ्य बिगड़ गया है। आज के बाद तुम उस विष्णु की प्रार्थना नहीं करो। महाराज आप भी परमेश्वर की शरण में जाइए, वो आपको क्षमा कर देंगे महाराज। यदि तुम हमारी पत्नी ना होती तो इसी समय हम तुम्हारी गर्दन धर से अलग कर देते। सुन सकता है तो सुन, तू मेरे अमर होने के मार्ग में कितनी भी बाधाएं उत्पन्न कर, कितनी भी रुकावटों का निर्माण कर, परंतु मैं हर बाधा को मिटा दूंगा, हर रुकावट को तोड़ दूंगा, परंतु अमर होके रहूंगा और तेरा नाम इस जगत से सदा सदा के लिए मिटा दूंगा। नारायण नारायण प्रभु, कंस की धृष्टता देखी आपने, देखा आपने इसका दुस्साहस, साक्षात आपको चुनौती दे रहा है ये दुष्ट, आपको प्रभु आपको। देवर्षि, जो गरजता है वो बरसता नहीं है। नारायण नारायण। देवर्षि, ज्ञानी कभी भी अपने ज्ञान के अहंकार से उन्मत्त नहीं होते और ना ही वो अपने ज्ञान का ढिंढोरा पीटते हैं, परंतु अज्ञानी अपने आप को ज्ञानी समझकर अपने ज्ञान का ढिंढोरा पीटता है, प्रयास करता है कि हर कोई उसको ज्ञानी समझे, परंतु कोई उसे ज्ञानी नहीं बुलाता। कंस की यही दशा है देवर्षि। नारायण नारायण। लो दाऊ भैया और उनके छोटे आगे। कान्हा ये तुम क्या कर रहे हो? पूजा मैया। आपके पिताजी की पूजा। पूजा तो भगवान की जाती है ना। आप कौन है पिताजी? नारायण नारायण। प्रभु श्री कृष्ण ने संपूर्ण जगत को संकेत करके बता दिया कि परमेश्वर और कोई नहीं, माता पिता ही परमेश्वर होते हैं। नारायण नारायण। हाँ देवर्षि, माता पिता की पूजा करने का अर्थ है पर ब्रह्म परमात्मा की पूजा करना। नारायण नारायण। तुम्हें किसने बताया है काना? महर्षि दुर्वासा ने। हाँ पिताजी। ऋषिवर ने कहा। माँ पिताजी भगवान का रूप है। उनकी पूजा करनी चाहिए। अच्छा ये तो बताओ, माता पिता की पूजा करके क्या लाभ होता है? लाभ ही लाभ है मैया। माताजी पिताजी का आशीर्वाद मिलता है। माखन मिलता है।
बहुत प्यारे हो कान्हा। आई मीन नटखट भी हूँ मैया। तुम्हारी शरारतें तुम्हारी तरह नटखट है कान्हा। इस नटखट नारायण को इतना सिर पे मत चढ़ाइए। दीदी इसकी शरारती बुद्धि फिर किसी शरारत पर विचार कर रही होगी। और इसीलिए इन्होंने आपकी पूजा की है नंदराय जी, ताकि आप इनकी शरारतों पर रुष्ट ना हो। भगवान कभी नहीं रुष्ट होते। इतनी सी बात भी नहीं जानती तुम लोग। जी आपने इतना सा है काना, परंतु देखो क्या क्या सोचता है। अब तुम क्या सोच रहे हो काना? अब मैं अपनी मैया की सेवा करूंगा। लगाओ लगाओ अपनी मैया को माखन लगाओ काना। तुम अपनी मैया की और अपने पिताजी की सेवा करो। उनकी पूजा करो। व्रत रखने से कोई लाभ नहीं होता है। हाय राम काना, तुम घूम फिर कर फिर से हमारे व्रत पर आ गए। क्या तुम हमारा व्रत पूरा नहीं होने दोगे? मैं तुम लोगों से बात नहीं करूंगा। देखिए नंदरानी जी, देखिए नंदराय जी। कृष्णा तुम्हारी परीक्षा ले रहा है। परीक्षा? इतना सा तो है ये। इतना सा? नारायण नारायण। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा हरे हरे। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, मैया के चरणों में जय श्री कृष्णा। चरणी होते हैं परम धाम, यही है। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा।